सबने कंप्लीट कर लिया बेटा वो होमवर्क तो डायग्राम बनाने के लिए दिए था। यस सर यस सर, आपको पर्सनली भेजा है। ओके, फेस का माइक ऑन नहीं है इसलिए फेस ने लिखा यस सर। ओके ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने किया है होमवर्क, अच्छी बात है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट करने के बाद में भी हेजिटेशन पाल करके रख रहे हैं, हेजिटेट करते हैं बताने में, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो करते ही नहीं फिर, ठीक है, उनको कोई कोई टेंशन नहीं, कोई गिल्टी फील नहीं होती कि अरे हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया। ओके, तो ये छोटी छोटी आदतें बेटा जो हमको मैरिट से, मैरिट के पास ले जाती है या दूर ले जाती है, ठीक है। फिर बाद में हम पता चलता है अरे उसके मार्क्स इतने आ गए और हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। ओके, तो ये डिफरेंस है। एक ही टीचर पढ़ाएगा आपको सब्जेक्ट, आप ही पढ़ने वाले हो, सब लोगों को वही पढ़ाया जाता है, लेकिन मार्क्स में डिफरेंस ये हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से लेकर के आता है कि जो बोला जा रहा है वो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके साथ में आपका खुद का एफर्ट कितना है। ओके, तो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है खुद की सक्सेस के लिए। अगर आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आपको आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है, तो आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो हम पढ़ रहे हैं उसमें। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड दो डायग्राम वहां पर आपको दिए गए थे, उसमें आपको रिप्रेजेंट किया था। एक था टेस्ट ओवरी का सेक्शन, पहले तो आपको ये बोला था ईएस ऑफ ओवरी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमें पता है कि हमने कहा था कि दो ओवरीज होती है फीमेल्स में, ओके, गोनेट्स, दो ओवरीज होती है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है, अंदर एब्डोमिन के बहुत अंदर की तरफ है, इंट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है। तो जब किसी समझो हमने राइट ओवरी का यहाँ पर सेक्शन कट किया, राइट ओवरी का सेक्शन कट करेंगे तो राइट ओवरी हमने राइट ओवरी का सेक्शन कट किया। तो लिगामेंट जिसके थ्रू ओवरी कनेक्टेड थी यूट्रस के साथ में, ओके, उस लिगामेंट को हमने लिगामेंट से वहां पर कट लगाया, ठीक है। इधर की तरफ ज्यादा ये दिख रहा है तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से ले लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपर आपको, ये ओरी का सेक्शन जो है, ओरी को हमने कट किया, ठीक है। अब इंटरनल पार्ट्स दिखने लगेंगे। इंटरनल पार्ट्स में ओरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हम एक मैच्योर्ड ओरी का इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, मैच्योर्ड ओरी। तो इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स भी हैं एज वेल एज प्यूबर्टी के बाद वाला टाइम है, इसके लिए यहाँ पर किसी न किसी स्टेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड यहाँ पर स्टेज चल रही होगी, ओके, 28 डेज में से कोई ना कोई फेज दिख रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स, क्योंकि कोई भी ऑर्गन अगर है बॉडी का तो उसके अंदर टिश्यूज और सेल्स हैं, और टिश्यूज और सेल्स एक्टिव होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको। तो एनर्जी किसके पास में, सब एनर्जी कौन लेकर के आएगा, एनर्जी कैसे आएगी? तो एनर्जी आएगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये जब आएंगे तो ऑर्गन के सेल्स अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन से, ओके। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आना जरूरी है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, इसके ब्लड वेसल्स यहाँ पर होना जरूरी है। तो आर्टरी रहेगी अलग से, ओवेरियन आर्टरी, फिर आप वेन बना सकते हैं यहाँ पर जो वापस से ब्लड लेकर के जाएगी, ठीक है। तो वेन्यूल से वेन बनेगी, वापस डिऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा।
साथ में यहां पर नाउ भी रहेगी जो इंपल्स प्रोवाइड करेगी, ओवरी को सिग्नल्स देगी। इस तरह से यहां पर ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन एंड नर्व, ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन वेन और यहां पर कनेक्टेड नर्व यहां पर है, तो इसको सप्लाई करेंगे। अब ओवरी का जो पार्ट है, ठीक है, ओवेरियन पार्ट, हमने उसको बोला था कि पेरिफेरल, ये पेरिफेरल पार्ट, फिर कॉर्टेक्स और फिर स्ट्रोमा, ओके, तीन पार्ट्स में हमने ओवरी जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में फीमेल गोनेड, तब हमने तीन पार्ट्स में उसको डिस्टिंग्विश किया। जो सबसे ओवरी का सबसे बाहर की तरफ वाला जो पार्ट रहेगा, जो लाइनिंग है बाहर की, आउटर लाइनिंग है, उसके कॉन्टेक्ट में यहाँ पर अंदर की तरफ जो दिख रहा है पहले, वो पेरिफेरल पार्ट ओवरी का, ओके, पेरिफेरल पार्ट। फिर पेरिफेरल पार्ट के बाद में कॉर्टेक्स और सेंटर में स्ट्रोमा, क्लियर। अब ये जो सेंटर में स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा में प्राइमरी फॉलिकल्स वहां पर होते हैं, 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पर बर्थ के टाइम से यहाँ पर है, ओके, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जो मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो डीनेचर होकर के प्यूबर्टी तक बस बचते हैं 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पर ओवरी, ओके। अब यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी ओसाइट उसके अंदर रहेगी और उसको कवर करके रखती है ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर, ये प्राइमरी फॉलिकल। ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पर 60,000 टू 80,000 है, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है एफएसएच एंड एलएच आने लगेगा, ओके, तो एफएसएच और एलएच जैसे ही आएगा, एफएसएच एंड एलएच क्या है, ये जल्दी बताओ क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन है। तो पिट्यूटरी हार्मोन ओवरी तक कैसे पहुंचेंगे, किसकी हेल्प से पहुंचेंगे, क्या बेटा, आर्टरी के थ्रू, हाँ, ओके, क्योंकि ब्लड में पोर किए जाते हैं हार्मोन और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, तो नॉट ओनली ग्लूकोज और ऑक्सीजन आएगा ओरी के पास में ब्लड की हेल्प से, इसके पास में हार्मोन्स भी आएंगे, ओके, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किए हैं हार्मोन्स वो ब्लड की हेल्प से मिलेंगे ओरी को, और ओरी के पास में जैसे ही अब हार्मोन्स आ जाएंगे तो हार्मोन्स अब यहां से प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल को के ऊपर एक्ट करने लगेंगे। तो जो एफएसएच है, ओके, जैसे ही फॉलिकल आएंगे अब यहां पर इसमें चेंजेस आने की कोशिश होगी, तो उसमें प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ड्रॉप होने से एंडोमेट्रियम शेड होगा, मेंसेस स्टार्ट होगा, तो मेंसेस जब रुकेगा 3-4-5 दिन में, तब तक ये एफएसएच इतना कॉन्सेंट्रेशन में आ चुका होगा यहाँ पर एफएसएच और एलएच, तो एफएसएच के कारण यहाँ पर फॉलिकल की ग्रोथ शुरू हो जाएगी अब लेटर पार्ट में 5 डेज से। तो यहाँ पर जो 60,000 टू 80,000 है उसमें से केवल एक फॉलिकल, एक ओवरी में से एक ही फॉलिकल, ठीक है, दो ओवरीज है दोनों में से एक ही फॉलिकल एक टाइम पर चेंज दिखेगा आपको। तो अगर हम बोल रहे कि राइट ओवरी के अंदर हो रहा है अभी फर्स्ट यहाँ पर एफएसएच आ रहा है, तो लेफ्ट ओरी में वहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी आगे, ओके, प्राइमरी फॉलिकल्स यहां पर समझो ये राइट ओरी का प्राइमरी फॉलिकल्स अब एफएसएच के कारण अभी चेंज होगा, ये अरेस्टेड था, सभी फॉलिकल्स अरेस्टेड रहते हैं प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, ओके, मियोसिस वन के प्रोफेज वन में अरेस्टेड रहते हैं, तो ये अब एफएसएच मिलने पर ये ग्रोथ करने लगेगा, प्राइमरी ओसाइट सेल का साइज वही रहेगा, ओके, प्राइमरी ओसाइट का साइज वही रहेगा, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट है,
और एक ग्रैनुलोसा सेल का कवरिंग था, लेकिन ग्रैनुलोसा सेल का कवरिंग वहां पर बढ़ता जाएगा। पहली जो लेयर थी उसके ऊपर दूसरी और फर्दर लेयर यहाँ पर बनती जाएगी और उसको हम बोलेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी। इनर लेयर बनेगी और एक आउटर लेयर बनेगी, दो लेयर बनेगी एफएसएच के कारण। ओके, और इस तरह से ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। उस साइड वही है अभी। ओके, अब सेल की ग्रोथ होने पर, सेल की जब ग्रोथ होगी वहां पर प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी, तो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब करेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म उतना ही है लेकिन साइटोप्लाज्म बढ़ गया, तो सी बाय एन रेशो डिस्टर्ब होने पर साइट वहां पर सेल डिविजन स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो प्रोफेज वन में अरेस्टेड था, तो अब प्रोफेज वन से अब वो मेटाफेज वन में एंटर करने लग जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, मेटाफेज वन के बाद में एनाफेज वन, एनाफेज वन के बाद में टेलोफेज वन। तो नेक्स्ट स्टेप में सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब ये स्ट्रोमा से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं, ये ध्यान रखो आप। प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ रहते हैं? स्ट्रोमा में, अंदर की तरफ। अब ये स्ट्रोमा से कॉर्टेक्स में और कॉर्टेक्स से पेरिफेरी की तरफ जाते जा रहे हैं। लेटर अब यहां पर बनेगा, ये प्राइमरी पुसाइट है, ये ग्रैनुलोसा सेल का कवरिंग, अब यहां पर एक अंदर की तरफ एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लग जाती है, जिसके अंदर फूड है, न्यूट्रिशन है और ग्रैनुलोसा सेल्स है। ग्रैनुलोसा सेल्स भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है, और इन सब के चारों तरफ ये लेयर्स है। ये जो फर्दर ग्रोथ होती जा रही है और ये बड़ा बड़ा बनता जा रहा है फॉलिकल, अब इसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। इस टर्शरी फॉलिकल में क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन चुकी है, एंट्रम। ओके, और अब ये ब्लर हो गया, पेरिफेरल पार्ट में आया है। ये प्राइमरी ओसाइट है ग्रैनुलोसा सेल से। ओके, जारा बेटा बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या आपको कि ब्लर दिख रहा है? जारा बोर्ड ब्लर दिख रहा है या क्लियर दिख रहा है? क्लियर है बोर्ड, क्लियर है। किस किस को ब्लर दिख रहा है बेटा? आर्यन की आवाज आई थी बस, और किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? नो सर, क्लियर है। ओके सर, एकदम क्लियर है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स का जो कवरिंग है, एंट्रम बन चुकी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन चुकी है, प्राइमरी ओसाइट को कवर किए हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी फॉलिकल, जिसमें एंट्रम बन चुका है। नाउ अब LH का abruptly concentration बढ़ने लग जाएगा, okay? Suddenly LH ज्यादा secrete होने लग जाएगा, FSH के comparison में बहुत ज्यादा LH आने लग जाएगा pituitary से, और इसके कारण यहाँ पर
एलएच आने के सिग्नल के पहले यहाँ पर अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल था अब ये सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है उसके अंदर, और इसके साथ में सेकेंडरी ओसाइट के साथ एक पोलर बॉडी बन चुकी है टर्शियरी फॉलिकल, और अब ये कहलाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो सेकेंडरी ओसाइट, पोलर बॉडी, ओके, सेकेंडरी ओसाइट, पोलर बॉडी, ये ग्रैनुलोसा सेल का कवरिंग सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ, ओके, इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और ये एंट्रम, एंट्रम थोड़ा और बड़ा रहेगा, ज्यादा फ्लूइड इसमें कवर हो जाएगा क्योंकि उसको पता है कि अब यहाँ से जाना है। ओके, ये कवरिंग, ये कोडिंग अब यहाँ तक रहेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये कवरिंग है और ये हो गया है फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे उसको। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है तो एलएच सेकेंडरी ओसाइट, एक फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये एंट्रम है जिसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है। अब यहाँ पर अचानक से एलएच का लेवल बहुत ज्यादा आएगा और एलएच ज्यादा आने पर अब ये बर्स्ट होगा। बर्स्ट होगा तो बर्स्ट वाला पार्ट तो ये सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पर निकल गया बाहर, क्योंकि तो पेरीफेरी में आकर के फूटा है, तो ऐसा फूटेगा कि ओवरी से बाहर इसको रिलीज कर देगा। और आपको पता है कि ओवरी तो के पास में यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर फ्यूमरिस प्रेजेंट है इनफंडिबुलम के, मतलब पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब के, ओवेरियन ट्यूब के, तो वो इस सेकेंडरी ओसाइट को कैच कर लेंगे। ओके, तो सेकेंडरी ओसाइट जिसको हम एक भी कहते हैं, ये रिलीज हो जाएगा, ये ओवुलेशन हो जाएगा मतलब 14 डे पर, और बाकी बचा जो पार्ट है अब इस एक के साथ में ग्रैनुलोसा सेल्स भी जाती है और थोड़ा सा फ्लूइड पार्ट भी जाता है एंट्रम का। ओके, क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और सर्वाइव करके रखे, एक्टिव बना करके रखे। इसके बाकी जो बर्स्टेड पार्ट है, थोड़ा फूटा हुआ पार्ट है, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल जिसको हम बोलेंगे, तो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर होकर के यहाँ पर उसकी सेल्स का कुछ पार्ट, इस रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को, ये हो गया रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, ओके, और ये क्या था? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ओके, ये है रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, फूट गया एलएच के कारण। ये जो फिफ्थ डे से ये
प्रोलिफरेशन चालू हुआ था वो 13 डे पर खत्म हुआ और 14 डे पर एलएच के कारण ओव्यूलेशन हो गया। तो ओवरी में ऐसे अलग अलग डे पर ये चेंजेस दिखते हैं। ओके आप बनाते हो तो डायग्राम, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये सभी एक साथ में मिलेंगे आपको। ओके अगर फर्स्ट से फिफ्थ डे है तो आपको प्राइमरी फॉलिकल ही मिलेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फिफ्थ से 13 डे के बीच में है तो ये स्टेज मिलेगी। फिफ्थ से 7 डेज पर सेकेंडरी फॉलिकल, 7 टू 10 डेज तक टर्शियरी फॉलिकल, 10 डेज से 13 डेज तक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये कंडीशन दिखेगी। और 14 डे अगर है चल रहा है अगर वहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस दिन अगर हम सेक्शन कट करेंगे ओवरी का, 14 डे के आसपास में आपको दिखेगा ओवम रिलीज हो रहा है और रप्चर ग्राफियन फॉलिकल मिल रहा है। लेकिन अगर 15 से 22 डेज के बीच में देखेंगे, इन 7 डेज में आपको ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो चुका होता है एक येलोइश, पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, राउंड पार्ट में, और इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। ओके ये जो बना रप्चर ग्राफियन फॉलिकल के बाद 15 से 22 डेज तक जो दिखेगा इसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने पर अब एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी मतलब अब कुछ दिनों तक वो शेड नहीं होगी। ठीक है, ये FSH जब यहाँ पर इसकी ग्रोथ करवाता है फॉलिकल की, तब तक वो FSH ब्लड में है तो सभी सेल्स के पास में जाएगा, तो वो दो जगह पर काम करता है FSH। पहला तो गोनेडोट्रोपिन है इसलिए गोनेड के पास में तो ज्यादा जाएगा, और यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी टर्शरी और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक ये प्रोलिफरेशन स्टेट करेगा। साथ साथ में उस 5 टू 13 डेज तक वो यूट्रस के भी कांटेक्ट में आता है, और यूट्रस की जो फर्स्ट 5 डेज में जो लेयर शेड हो गई थी एंडोमेट्रियम की उसको फिर से बनाने का काम करता है, ग्रोथ करवाता है उसकी। तो तब तक 5 से 13 डेज तक हम एंडोमेट्रियम भी बढ़ती जाती वैसा दिखाते हैं। ओके अब बढ़ी है तो अब वापस से शेड हो जाएगी कि FSH का लेवल कम होने पर 14 डेज के बाद, तो नहीं, अब उसको मेंटेन करने का, बचा करके रखने का, वैसा वैसा रखने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि 15 डेज से 22 डेज तक अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा कॉर्पस ल्यूटियम से। इस टाइम पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट डीजनरेट हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्फिलाइस्थेमिक जंक्शन में। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एम्फिलाइस्थेमिक जंक्शन में तो उसका सिग्नल आएगा ओवरी के पास कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, आगे प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी में प्लासेंटा जुड़ेगा एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के पास यूट्रस के, इसलिए एंडोमेट्रियम शेड नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कम से कम 6 मंथ तक ऐसा कैसा बना रहेगा। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिजनरेट होने का सिग्नल आएगा कि डिजनरेट हो चुका है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये 7 डेज तक ही रहता है, 15 से 22 डेज तक के बीच में, 22 डेज से ये डीजनरेट होने लग जाएगा कॉर्पस लुटियम। तो आगे ये डीजनरेट होने लगेगा 22 डेज के आगे इसका साइज छोटा छोटा होता जाएगा और ऐसा ये राउंड शेप में बचेगा बस। इसको हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकंस, कॉर्पस एल्बिकंस। कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश कलर का होता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहता है। कॉर्पस एल्बिकंस व्हाइटिश कलर का हो जाएगा, डीपिगमेंटेशन हो जाएगा, मतलब उसमें डीजनरेट होते होते छोटा साइज का रह जाएगा उसके कंपैरिजन में, और ये प्रोजेस्टेरॉन अब नहीं के बराबर सीक्रेट करेगा, बहुत ही कम वहां पर। 22 डेज के बाद में जब ये कॉर्पस एल्बिकंस बना तो अब ये 4-5 डेज के बाद, 26 डेज के बाद में ये बहुत ही इसका रेमनेंट बचेगा बस, और 28 डेज तक ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन अब पूरा बनना बंद,
28 डेज तक, ठीक है, ये डीजनरेट होता जा रहा है 26 डेज तक पूरा यहाँ पर, और 28 डेज तक अब पूरा प्रोजेस्ट्रॉन बनना बंद, 28 डेज तक प्रोजेस्ट्रॉन बनना बंद। तो प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन कर रहा था वहां पर एंडोमेट्रियम की लेयर को, अब प्रोजेस्ट्रॉन ड्रॉप होने पर एंडोमेट्रियम की लेयर शेड हो जाएगी और फिर से नया मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, फर्स्ट से फिफ्थ डेज तक प्राइमरी फॉलिकल सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन सा, फिर उसमें एफएसएस आने पर उसे प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ होना शुरू होगी और साइक्लिक इवेंट चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने एनसीईआरटी से डायग्राम बना लिए थे उनको कॉपी में फिर से रफ कॉपी में बनाओगे तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यस ऑफ ओवरी, किसी को कोई डाउट है बेटा? सर डायग्राम फिर ड्रॉ करनी पड़ती है क्या? ऑब्वियसली बेटा, नीट में नहीं क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, नीट में नहीं, स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए आता है। कर लोगे ना आप ड्रॉ? यस सर। यस, सबको समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट हो तो बता, पूछ लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट हो गए और? यस सर। ओके, मैंने पूछा किसी को समझ में आया तो एक हाथ स्टूडेंट ने बस आंसर दिया, और किसी को डाउट है क्या तो किसी ने आवाज नहीं दिया, तो क्या समझो, समझ में आया कि डाउट है कि दोनों में से कुछ नहीं? और जिन लोगों की आवाज नहीं आ रही क्या समझो उनका, कि वो क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे? समझा सर। समझा सर। ओके, अब सेकंड डायग्राम आप लोगों के लिए वहां पर जो आता है वो हार्मोनल एक्शन के कारण जो चेंजेस होते हैं ओवरी एंड यूट्रस में, उसको रिप्रेजेंट करता है। दो तरह के हार्मोन्स एक्शन करते हैं और वो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही टाइम पर चलता है, इसलिए हम पहले तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए वहां पर डेज को एक तरफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तिरछा ही जा रहा है, आदत ही ऐसी हो गई है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर हार्मोन का लेवल कितना रहता है और कैसे अफेक्ट करते हैं ऑर्गन्स पर। तो दो तरह के हार्मोन्स हैं, ओवेरियन हार्मोन्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स आते हैं, इसलिए हम ऊपर यहां पर पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करेंगे।
पी लिखा, ये दिख रहा है आपको पी सर? एकदम ज्यादा ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, वो ऊपर हो गया क्या? तो लगेगा यार, एक सेकंड सर, पर दिख रहा है वो। ओके ठीक है, ऐसा करता हूँ ये वाली लाइन इस पर नीचे और ड्रॉ करता हूँ। आपको नीचे बहुत ज्यादा दिख रहा है, खाली जगह है नीचे, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक स्टूडेंट का आंसर आया था कि दिख रहा है, लेकिन बाकी फिर सबको मना कर रहे हैं। यहां से ले लेते हैं, ओके। अब जो ये पी लिखा है ये तो दिख रहा है बेटा? यस सर, यस सर। ओके, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स, ओके, पहले हम पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, और पिट्यूटरी हार्मोन की एक्शन वहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन, अब पिट्यूटरी हार्मोन्स के बाद वहां पर रिलीज होते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होते हैं हम पढ़ चुके हैं पहले, और कौन से बेटा बता देती? LH और FSH। गुड, और ओवेरियन हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। मैं अलग अलग कलर में वहां पर आप लोगों को ये दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फेजेस को पहचानने में जरा आसानी हो जाए। अपने को 28 तेज दिखाने ना, होंगे 14 थोड़ी दिखाने हैं, इसको डबल करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। फिर यहां से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 डे फ्रेंड्स, फिर 14 डे स्पेशल, 14 डे, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ तक कॉर्पस लिटियम रहेगा, फिर 23, 24, 25, 26, यहाँ पर कॉर्पस एम बीकन्स रहेगा, फिर 27, 28, प्रोजेस्टेरोन पूरा खत्म हो जाएगा। 29 डे मतलब ये फर्स्ट डे हो जाएगा सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो कंटिन्यू, नंबरिंग दिख रही है बेटा सबको? यस यस सर। ओके चलो, अब यहाँ पर हमको चार चीजों को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान रखना चार चीजों को। पहले तो पिट्यूटरी हार्मोन्स को, दोनों हार्मोन्स को दिखाएंगे, ओवेरियन हार्मोन्स को दिखाएंगे, फिर यूट्रस के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं
और ओरी के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं ये हम दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे यूट्रस में हार्मोन्स के कारण क्या चेंजेस होंगे, और फिर हम इसके ऊपर दिखाएंगे ओरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं इस डेज के टाइम। ओके, समझना जरूरी है, डायग्राम तो आप कभी भी बना लोगे लेकिन आपको समझ में रहेगा तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे फिर उसको। ये चीज आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अब आपको सबसे पहली बात ये कि फर्स्ट थ्री और फाइव डेज तक ये जो फॉलिकल है, यूट्रस के अंदर का जो फॉलिकल है ये शेड होते हैं। ओके, इसलिए हमने इनको छोटा रिप्रेजेंट किया है। आप इसको फॉलिकल्स को ऐसा ऐसा दिखा सकते हैं। ओके, तो ये जब शेड हो रहे हैं तो इनके साथ में ब्लड वेसल भी रप्चर हो रही है, और ब्लड वेसल रप्चर होने से और एंडोमेट्रियम की लेयर भी टूटने से यहाँ पर मेंसस दिखता है। तो मेंसस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेंसस निकल रहा है। ओके, ये मेंसस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंडोमेट्रियम की लेयर शेड होती जा रही है, छोटी छोटी होती जा रही है एंडोमेट्रियम, टूटती जा रही लेयर। ओके, तो ये तो है, इसमें हम दिखाएंगे इतने पार्ट में यूट्रस से रिलेटेड। फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे ओरी से रिलेटेड चेंजेस, ओरी के अंदर क्या क्या चेंजेस दिखेंगे हम। फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या क्या रहेगा ओवेरियन हार्मोन्स का, और यहाँ दिखाएंगे प्यूटेटरी हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्यूटेटरी हार्मोन LH और FSH है, तो स्टार्टिंग में FSH का लेवल FSH का लेवल कम रहता है लेकिन वो बढ़ जाता है फिर आगे। ये बढ़ता हुआ 13 डेज तक बढ़ता होगा, फिर 14 डेज से FSH का लेवल कम हो जाता है। ओके, वही जो LH है, LH का लेवल कम होता रहता है, कम वहां पर सीक्रेट होकर के फिर ये कम स्टेबल रहता है लगभग ये कैसा। ओके, और ये FSH से कम ही बना रहता है 13 डे तक। ओके, 13 डे ये। अब 13 डे पर FSH थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन LH कहाँ तक दिख रहा है आपको? हाँ ये दिख रही है। तो LH ये 13 डे के बाद ये 14th वाले डे को हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश, डॉटेड लाइन को दिखा देते हैं ताकि आपको हर जगह पर वो 14 डे कहाँ है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ओके, ये 14 डे वाला पार्ट, 14 डे पर ये 14 डे के आसपास ये एप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं LH सर्ज। ओके, 13 डे के आसपास से बहुत बढ़ने लगा और 14 डे पर बहुत ज्यादा पीक, लेकिन फिर 15 डेज से फिर वापस नॉर्मल, ठीक है, वापस से नॉर्मल आ जाएगा और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। FSH का लेवल कांस्टेंट बना रहेगा लगभग इस तरह से, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहले FSH ज्यादा रहता है और 13 डे के बाद में फिर LH सर्ज आता है और LH सर्ज के कारण ओवुलेशन हो जाता है,
एलएच और एफएसएच को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एफएस फिफ्थ डे के बाद में जो एफएसएच है इसका लेवल और थोड़ा बढ़ रहा है, ये फिफ्थ डे तक है, फिफ्थ डे से थोड़ा और बढ़ा है ये, ओके और बढ़ा है तो फिर ये क्या कर रहा है, ये जो फॉलिकल है यूट्रस की इनकी ग्रोथ करवा रहा है, वापस से इनको बड़ा बनाने की, वापस से नॉर्मल जो फर्स्ट डे के पहले जो कंडीशन थी वैसा वापस बनाने की कोशिश कर रहा है फॉलिकल की ग्रोथ कॉज करवा रहा है। फॉलिकल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है 14 डे तक ये बढ़ करके देखिए हाइट यहाँ पर थी ना, हाइट को हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हाइट हम थोड़ी कम दिखा रहे हैं, ये बढ़ गई हाइट। अब इस हाइट को मेंटेन रखेगा 15 डेज से, अब हाइट बढ़ेगी नहीं क्योंकि एफएसएच का लेवल कांस्टेंट है, ओके अब ये और फर्दर लेयर बढ़ेगी नहीं ओवुलेशन के बाद, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन के कारण यहाँ पर ये क्या रहेगी मेंटेन, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 15 डेज से आपको ज्यादा दिखाना है, इसके कारण ये फॉलिकल यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, एंडोमेट्रियम के फॉलिकल यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल नहीं है ओवरी के नहीं, ये एंडोमेट्रियम लेयर है ये यहाँ पर ऐसी रहेगी, ओके और ये फर्स्ट डे से वापस से क्या होने लग जाएगी शेड होने लग जाएगी, इसको ऐसा उसकी एंट्री दिखाने के लिए आप इसको ऐसा दिखा सकते, ये यहां से आएगी, ये यहां से, ओके ये यूट्रस में चेंजेस, बस इतना दिखाना है आपको, यूट्रस में 5 से 13 डेज तक फॉलिकल की साइज बढ़ती जाएगी, 14 डेज से आगे स्टेबल हो जाएगी क्योंकि 15 डेज से कॉर्पस लुटियम के कारण वहां पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा जिसके कारण ये मेंटेन रहेगी, फिर यहाँ पर फॉल होने लगेगा, ठीक है इसलिए आगे ये शेड होगी इसके बाद, ठीक है फॉल होने लगेगा तो जैसे ही कॉर्पस लुटियम खत्म होगा एल्बिकस बनेगा वैसे ही नहीं बनेगी, हाँ ध्यान रखना वैसे ही नहीं टूटेगी, ये जब पूरा ब्लड में लेवल डिक्रीज हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का 2-4 दिन हाई बना रहेगा कॉर्पस एल्बिकस भी खत्म होने पर 28 डेज के बाद में हम बोल रहे हैं कि खत्म हो गया पूरा प्रोजेस्टेरॉन, अब खत्म हो गया तो फिर अब ये शेड होगा, तो यहाँ से फर्स्ट डे से मतलब 29th वाला जो डे है वहां दूसरा साइकिल यहाँ से वापस से रिपीट होगा, ओके ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन दो पीक दिखाता है, एस्ट्रोजन एक तो टर्शियरी फॉलिकल जब बनता है तब एक पीक दिखाता है, एस्ट्रोजन यहां पर एक पीक दिखाएगा और एक यहां पर एक छोटी पीक दिखाएगा एस्ट्रोजन, ओके ये ऊपर ये एलएच ये एफएसएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन फर्स्ट डे पर कम है क्योंकि खत्म हो गया है तो बहुत कम है, ओके कम लेवल है बहुत ही कम लेवल, लेकिन 15 डे जैसे ओवुलेशन खत्म हो जाएगा तो 15 डे से अब इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है 15 डे से लेकर फिर 22 डेज तक अच्छा हाई बना रहेगा वहां पर, फिर उसके बाद कम कम होने लगेगा 22nd डेज, अभी कम कम होने लगेगा, और 26 डे आते आते और ये बहुत कम हो जाएगा ये प्रोजेस्टेरॉन, ओके ओवरी में क्या चेंज आ रहे हैं, तो फर्स्ट 5 डेज तक तो कोई चेंज नहीं रहेंगे,
फर्स्ट 5 डेज तक तो ये प्राइमरी फॉलिकल भी बना रहेगा, फर्स्ट 5 डेज तक प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। जो पहली स्टेज है इसमें प्राइमरी फॉलिकल ही बना हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल जिसमें प्राइमरी ओसाइट है। फिर 6 डेज से 13 डेज तक यहाँ पर अलग अलग स्टेज दिखेगी आप। अब ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से आगे बनेगा टर्शरी फॉलिकल, साइज में बड़ा होता जाएगा ये सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल दिखा देते हैं हम डायरेक्टली, आप वहां पर बना सकते हैं, हमने ओरिजिन भी बना दी। अभी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट है, ओके, मतलब पहला डिवीजन कंप्लीट हो गया अब इसमें, ओके, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 के बाद में इंटरकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। उसके कारण यहां पर पोलर पोलर बॉडी भी बन चुकी है और एंट्रम भी इसके अंदर है। ये फॉलिकल बढ़ता जा रहा है साइज में, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओके, ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और अब ये बर्स्ट होगा 14 डे पर, बर्स्ट होने के बाद में सेकेंडरी ओसाइट 14 डे पर अलग निकल जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट 1 ये निकल जाएगा और ये रप्चर ग्राफियन फॉलिकल अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम आगे कॉर्पस एल्बिकंस, छोटा सा कॉर्पस एल्बिकंस, कॉर्पस एल्बिकंस आगे कम 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 होता जाएगा, खत्म, ओके। यहाँ पर रप्चर ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस टीएम बन गया, ये चेंजेस है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी। डन, गुड, किसी को कोई डाउट है? इंदोरा ब्रांच से आवाज नहीं आई बेटा, इंदोरा ब्रांच में हो गया क्या स्क्रीनशॉट? इंदोरा ब्रांच में किसी ने स्क्रीनशॉट लिया क्या बेटा? सर हो गया सर। इंदोरा, इंदोरा मानकापुर से तुमने हुआ ना, शुभ,
ओके फैज ने मैसेज कर दिया, डन सर। ओके ठीक है बेटा, चलो बाय, कल मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। और ध्यान रखो 600 मार्क्स का टारगेट। यस सर।